सभी बच्चों को सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, एक वीडियो जो इससे पहले बनाया जा चुका है, उसमें हमने इस चैप्टर में आधी कहानी का अध्ययन कर लिया था। कहानी का शीर्षक था अपना कंटकेनेव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे कि एक जंगल में एक शिकारी अपना जाल फैलाता है। शिकारी का नाम इसमें आया था चंचल। दुर्भाग्य से उस जाल में एक शेर फंस जाता है। वह शिकारी जब दूसरे दिन जाता है जंगल में, तो देखता है कि उसमें तो शेर फंसा हुआ है। शिकारी को डर लगता है कि कहीं ये शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए यहाँ से भागना ही उचित है। लेकिन इतने में ही जो शेर था, वो उससे निवेदन करता है कि मानव तुम्हारा कल्याण होगा यदि तुम मुझे आजाद कर दोगे, मुक्त कर दोगे, इससे जाल से छुड़ा दोगे तो तुम्हारा बहुत भला होगा। ऐसा कहकर उस मानव को, यानी शिकारी को अर्थात चंचल को, मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए वह मना लेता है। वह उसको बाहर निकाल देता है जाल से। लेकिन बाहर निकालते ही वह कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे पानी पीना है। तो वो उसको पानी पिलाता है, फिर कहता है कि अब मेरी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन अब मुझे क्या करना है, भूख लगी है इसलिए मुझे भोजन करना है। ठीक है, मुझे भोजन करना है और मैं अब तुमको खाऊंगा। तो ऐसा बोलने पर चंचल कहता है कि तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, लेकिन तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो शेर कहता है कि अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी जो कार्य किया जाता है ना, वो कुछ भी गलत नहीं होता है, सब कुछ स्वार्थ पर आधारित होता है। तो ऐसे में चंचल नदी के जल से पूछता है कि बताओ भाई, ये जो कह रहा है सही है? तो नदी का जल कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, अब मुझे ही देख लो, लोग मेरे मुझसे क्या करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, मल मूत्र आदि त्याग कर यहाँ से लौट जाते हैं। ठीक है, फिर चंचल ने वृक्ष से पूछा, तो पेड़ भी कहता है कि बिल्कुल सही कह रहा है ये, क्योंकि लोग क्या करते हैं, यहाँ आते हैं, छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं, मैं उनको फल देता हूँ, लेकिन फिर भी वो लकड़ी कुल्हाड़ी से क्या करते हैं, यहाँ वहाँ प्रहार करके हमेशा क्या करते रहते हैं, मुझे काटते ही रहते हैं। ये सारी बातें क्या हो रही थी, जो उनके बीच में हो रही थी, उनको एक लोमड़ी सुन रही थी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे, समीपे एका, समीपे एका लोमशिका, लोमशिका का अर्थ क्या है, लोमड़ी। ठीक है, फॉक्स। बद्री गुलमानाम, बद्री गुलमानाम का मतलब होता है बेर की झाड़ियों में। बेर होते हैं ना खाने के, जो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, बेर की झाड़ियों में। पृष्ठे का अर्थ होता है पीछे, नीलिना का अर्थ होता है छिपी हुई। एताम वार्ताम, ये सारी बातें श्रणोती में सुन रही थी, समीप ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई ये सब बातें सुन रही थी। श्रणोती स्मह, श्रणोती स्मह यानी सुन रही थी। स्मह लग गया इसका मतलब ये भूतकाल हो गया। ठीक है, स्मह लग गया इसका मतलब भूतकाल हो गया। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सा वह सहसा अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास पहुंचकर, चंचलम प्लस उपसृत्य चंचल के पास पहुंचकर कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापये मुझको भी बताओ, क्या बात है मुझको भी बताओ, विज्ञापये यानी बताओ। तो सह अवदत, वह बोला, अह मातृस्वसे, अह अरे मातृस्वसे है। मातृ स्वसह का मतलब होता है, मातृ मतलब माता और स्वसह मतलब बहन। तो माता की बहन कौन हुई, अपनी मौसी। ठीक है, माता की बहन हमारी क्या लगेगी, मौसी। तो मातृ स्वसह का अर्थ क्या हो गया, मौसी। अवसरे त्वम समागतवती, अवसरे यानी सही वक्त पर, त्वम तुम समागतवती आई हो,
पधारी हो, पहुंच गई हो। अरे मौसी, तुम तो सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणारक्षिताः, मया यानी मेरे द्वारा, अस्य इसके किसके, व्याघ्रस्य यानी शेर के, प्राणः रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम एष है, लेकिन यह मामेव खादितुम इच्छति, माम एव, माम प्लस एव, संधि विच्छेद करेंगे इसका, माम यानी मुझको, एव यानी ही, मुझको ही, खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। देखो, मैंने इसके प्राणों की रक्षा की और ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोम शिकाये, तदंतरम का अर्थ हुआ इसके पश्चात, सह वह, लोम शिकाये, लोम शिका को अर्थात लोमड़ी को, निखिलाम, निखिला का मतलब हो गया संपूर्ण, कथाम नैवेद्यते, संपूर्ण कहानी नैवेद्यते यानी बता देता है। इस प्रकार इसके बाद वह लोमड़ी को क्या करता है, पूरी की पूरी कहानी बता देता है कि क्या क्या हुआ। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी चंचलम, चंचल को अकथयत कहती है। बाढ़म, ध्यान देना इसका बाढ़म का अर्थ क्या होगा, ठीक, बाढ़म मतलब ठीक, ठीक है। त्वम जालम प्रसारिय, त्वम तुम, जालम प्रसारिय जाल फैलाओ, तुम क्या करो, जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, फिर वह क्या होती है, व्याघ्रम शेर को, शेर को अवदत, बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, केन प्रकारेण, किस प्रकार, त्वम तुम, एतस्मिन जाले, इस जाल में, बद्ध है इति, बंधे हुए थे, यानी तुम इस जाल में किस प्रकार बंधे हुए थे, इति अहम, इति ऐसा, अहम यानी मैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ, मैं इसे क्या करना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से जाल में बंधे हुए थे। व्याघ्र है तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, व्याघ्र है शेर, तद वृत्तांतम, वह वृत्तांत यानी जो पहले जो घटनाक्रम हुआ था ना, शेर जाल में फंसा हुआ था, ठीक है, प्रदर्शयितुं यानी दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले उस जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश कर गया, शेर क्या कर गया, वह वृतांत या वह घटनाक्रम दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका लोमड़ी पुनः अकथयत, पुनः यानी फिर, अकथयत यानी बोली, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, संप्रति यानी अब, संप्रति का अर्थ क्या होगा, अब पुनः पुनः, पुनः पुनः अर्थात बार बार, कूर्दनम यानी कूदना, कृत्वा यानी करके, तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा एक साथ बोलेंगे तो, कूद कर, दर्शय यानी दिखाओ, अब तुम बार बार कूद कर दिखाओ। स तथेव समाचरत, स यानी उसने, तथेव वैसा ही, समाचरत यानी आचरण किया, शेर ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा, वह बार बार क्या हो गया, कूदने लग गया। तो अनारतम कूदनेन, अनारतम यानी लगातार, अनारतम का अर्थ क्या होगा, लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह वह श्रांत है, थका हुआ अभवत यानी हो गया, लगातार कूदने से वह क्या हो गया, थक गया। जाले बद्ध है सह व्याघ्र क्लांत है सन्नी सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षामिव च अयाचत, जाले बद्ध है जाल में बंधा हुआ सह व्याघ्र वह शेर क्लांत है थका हुआ सन होकर निसहायो, निसहाय पूरी तरह से मतलब एकदम से असहाय समझने लगे अपने आप को, भूत्वा यानी होकर तत्र अपतत वहां गिर गया, प्राण भिक्षामिव च अयाचत और प्राणों की भीख, प्राण भिक्षा, प्राण भिक्षा मतलब प्राणों की भीख, इव यानी तरह च अयाचत, अयाचत मतलब याचना करने लगा। तो क्या हुआ, लगातार कूदते रहने से क्या हो गया, थक गया और जाल में बंधा हुआ है वह शेर थक कर निसहाय होकर वहां गिर गया और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका यानी लोमड़ी व्याघ्रम शेर को
अवदत यानी बोली, शेर को बोली सत्यम त्व्याभणितम, तुम्हारे द्वारा, सत्यम यानी सत्य, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, भणितम यानी बोला गया, ठीक है, क्या बोला गया, सर्वम स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, यानी सभी स्वार्थ पर चलते हैं, ठीक है। ऐसा शेर ने कहा था ना किसको, शिकारी को, जब शिकारी ने उसके प्राण बचाए फिर भी वह क्या कह रहा था उसको कि मैं तुमको खाऊंगा और सब कुछ स्वार्थ पर होता है, तो वैसा ही क्या किया लोमड़ी ने किया उसके साथ। अब इस कहानी से हमने क्या शिक्षा ली, इस कहानी से हमने शिक्षा ली कि देखो अगर हमारे सामने विपरीत परिस्थिति आती है तो हम अपने धैर्य से, बुद्धि कौशल से क्या कर सकते हैं, उस विपरीत परिस्थिति का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह हम अपना पाठ पूरा हुआ, ठीक है, धन्यवाद।